तो दोस्त AIFF का जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन है उसका ड्राफ्ट कुछ इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि यही कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन फुटबॉल के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करे एज लॉन्ग एज फुटबॉल एग्जिस्ट। आई मीन यही न्यू कॉन्स्टिट्यूशन रहना चाहिए लाइफ लॉन्ग, ना कि 4 साल बाद फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की ज़रूरत पड़े। हाँ, कुछ चेंजेस तो हो सकता है। तो इसीलिए सारे स्टेक होल्डर्स मतलब स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन, सारे क्लब्स, मार्केटिंग पार्टनर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सारे इंडियन फुटबॉल फैंस, सबका सजेशन यहाँ पे लिया गया है एंड अब इसके ऊपर बहुत ही तेज़ी से काम चल रहा है। तो दोस्त चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि इस आने वाले न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स होने चाहिए जो इंडियन फुटबॉल के लिए रेवोल्यूशनरी साबित हो सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुभदीप एंड वेलकम टू अनदर ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स 360। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्त, अगर आप इंडियन फुटबॉल के फैन हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। इससे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और भी इंडियन फुटबॉल रिलेटेड कंटेंट्स बनाने में। तो देखिए, AIFF के कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड फीफा के रेगुलेशंस को मेंटेन करते हुए एक इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश किया है और 15 जुलाई तक इसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया जाएगा। और जैसे कि पहले बताया, स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन एंड फैंस द्वारा जो भी पॉइंट्स सजेस्ट किया गया है उसको कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाएगा इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। तो देखिए, अब हम आपको 4 ऐसे पॉइंट्स बताएंगे जो डेफिनेटली एंड तक फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर होना चाहिए। तो नंबर 1, तो इस ड्राफ्ट में एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन के स्मूथ एंड प्रॉपर रनिंग के लिए कि द स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन नीड टू फॉलो द नेशनल स्पोर्ट्स कोड एंड फीफा गाइडलाइंस एंड दे ऑल्सो नीड टू कंडक्ट फुटबॉल लीग्स इन देयर स्टेट इन रेगुलर बेसिस एंड इन ए प्रॉपर मैनर। और अगर ये लोग फेल होंगे 2 साल तक लगातार लीग्स कंडक्ट करने में एंड ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने में तो उस स्टेट एसोसिएशन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के जनरल बॉडी से निकाल दिया जाएगा एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर वार्निंग एंड दे विल लूज देयर वोटिंग राइट। तो आई होप कि अब इससे जो भी निकम्मे स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन है ये लोग अब काम करने में मजबूर हो जाएंगे। देन नंबर 2 है दोस्त, AIFF के जो प्रीवियस एग्जीक्यूटिव कमेटी होता था वहाँ पे कोई फुटबॉल प्लेयर्स की रिप्रेजेंटेशन नहीं था, तो उनके हितों का बात कौन करेगा? और जो प्रेसिडेंट या फिर जनरल सेक्रेटरी या फिर बाकी के ऑफिशियल्स होते हैं, इन लोगों का तो फुटबॉल के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे 3 फुटबॉल प्लेयर्स जिनको फुटबॉल प्लेयर्स कमीशन द्वारा इलेक्ट करके फेडरेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी में भेजने का प्रावधान किया गया है एंड इन 3 में से मिनिमम 2 मेल रिप्रेजेंटेशन एंड 1 फीमेल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो इट इज़ डेफिनेटली ए वेलकमिंग स्टेप। एंड नंबर 3 है दोस्त, AIFF के न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रावधान लाने का कोशिश किया जा रहा है जिसके चलते कोई भी पैशनेट इंडियन फुटबॉल फैन जिनका फुटबॉल एंड फुटबॉल के डेवलपमेंट का समझ है और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालना है इसका भी समझ है, दे कैन सियोरली कॉन्टेस्ट फॉर AIFF प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। सो इट इज़ ऑल्सो ए वेलकमिंग स्टेप। इससे जो रेस्ट्रिक्शंस था पहले लाइक स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर होना होगा या फिर AIFF के एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर होना होगा, ये सारे रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज अब नहीं रहेगा। एंड नंबर 4 है दोस्त, और एक पॉइंट जो स्टेट्स ने सजेस्ट किया है, तो इंडिया इज़ ए वेरी वेरी लार्ज कंट्री विथ ह्यूज पोटेंशियल इन फुटबॉल और फेडरेशन के लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑलवेज कि हर एक स्टेट्स में क्या हो रहा है इसके बारे में पता चल पाए। और इसीलिए जोनल सिस्टम को लाने के बारे में भी प्लान चल रहा है, तो इंडिया के हर एक स्टेट्स को डिफरेंट जोन में बांट दिया जाएगा जस्ट लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट जोन, लाइक एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जहाँ पे डिफरेंट जोन्स है सच एज सैफ, आसियान, सेंट्रल एशियन एंड ईस्ट एशियन जोन एसेट्रा। तो इससे फुटबॉल का ऑपरेशन और भी स्मूथ होगा एंड डेवलपमेंट और भी तेज़ी से होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो हमने आपको बताया, बट दोस्त और भी काफ़ी सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने का कोशिश किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर होना चाहिए इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए? एंड वी होप एवरीथिंग विल गो स्मूथली एंड इलेक्शन भी टाइम पे कंडक्ट हो जाए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। तो
तो यही था आज के इस वीडियो में। तो यहाँ पे ही इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।